वाल्मीकि जी द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें भगवान राम की जीवन गाथा है। हाँ, रामायण में श्री राम का जन्म मुख्य रूप में भुलाई का स्वरूप बन चुके रावण के अंत के लिए हुआ था। रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रता एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। रामायण में दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। उनकी तीन पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके घर चार अलौकिक पुत्रों का जन्म हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम विष्णु जी के अवतार एवं अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण थे और ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया। चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तणित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम जय जय राम।